Talk between the West Bengal government and protesting doctors once again broke down for the second time now. As per the protesting doctors, they have put their demands forward, but they were told that their time is up. West Bengal government had also declined the protesters' request to stream the meeting live for the sake of transparency. Let's listen into what the protesting doctors have said. ये हम लोग वीडियोग्राफी में भी रेडी थे, बस हमें वीडियोग्राफी का फाइल चाहिए था, उसके लिए भी हम तैयार थे। इवन जब मैडम ने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम मिनट्स के लिए भी रेडी हो गए। उस बीच में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि चलते हैं, इस बीच में हम डिस्कशन करके जाने वाले थे, तब हमें बोला गया कि वक्त खत्म हो गया, 9 बज गए हैं, वक्त कंप्लीट हो गया, अभी आपसे मैडम नहीं मिल सकती, ये हमें बोला गया। नेक्स्ट हम इंतजार करेंगे दोबारा कम्युनिकेट करने का, और हमें बहुत उम्मीद है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। Right, Rene, can you tell us more about this? Of course, the protesting doctors have once again said that their meetings have, of course, broke down with West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who said that she could not telecast the matter because the matter was sub judice, which means that the matter was, of course, pending before court. What can you tell us about the meetings, and how far do you think that the government needs to go in order to extend an arm to, of course, the protesting doctors? देखिए, चार दिन हो चुका है जब डॉक्टर्स और ममता बनर्जी ये दोनों के बीच पे एक ही चीज को लेकर मीटिंग कैंसिल हुआ है, वो चीज है लाइव स्ट्रीमिंग या तो वीडियो रिकॉर्डिंग। क्योंकि एक तरफ जब गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ जो गवर्नमेंट का कैमरा पर्सन है, जो वीडियोग्राफर है, उनके तरफ से ही वीडियोग्राफी किया जाएगा और किसी को वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग का परमिशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये साफ ज्यूडिस मैटर है और साफ ज्यूडिस मैटर में वो लोग ये वीडियो किसी को नहीं दे सकते। कल ममता बनर्जी के पास जब डॉक्टर सब पहुंचे थे, उसी टाइम पर डॉक्टर की तरफ से खुद का वीडियोग्राफर भी ले जाया गया था, मगर उसी जगह पर उन लोगों को रोका भी गया था, उनको बोला गया था कि उन लोगों का वीडियोग्राफर जो है वो अलाउ नहीं होगा, यानी डॉक्टर्स की तरफ से कोई रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीएम जब डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ये साफ ड्यूटीज मैटर होने की वजह से ये वीडियोग्राफी जो होगा, ये वीडियोग्राफी ममता बनर्जी की तरफ से डॉक्टर्स के पास नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो साफ ज्यूडिस मैटर चल रहा है, ये मैटर जब खत्म होगा तब वो लोग दे पाएंगे ये वीडियो। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मैटर के साथ ये जो डॉक्टर्स का जो पांच डिमांड का कोई लेना देना नहीं है, तो उसी जो पांच डिमांड को लेकर जो बातचीत होगा उसमें तो कोई साफ ड्यूटीज मैटर नहीं हो सकता। और डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में क्यों साफ ड्यूटीज मैटर आएगा, यह सवाल डॉक्टर्स की तरफ से किया गया था, मगर कल रात 9 बजे के आसपास दिखा गया कि डॉक्टर्स को साफ साफ कर दिया गया कि समय समाप्त हो गया है, अभी मीटिंग नहीं हो सकता और आप लोग चला जाइए। उसके बाद ही डॉक्टर्स जो है वो बाहर आके रो पड़े। डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि ममता बनर्जी के पास वो लोग गए थे मीटिंग करवाने के लिए, मगर ममता बनर्जी की तरफ से उन लोगों को इंसल्ट करके घर के सामने से हटा दिया गया, ये बात भी डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ जब गवर्नमेंट की तरफ से ये मीटिंग को लेकर, ये पूरा वीडियोग्राफी को लेकर एक बार रोक दिया जा रहा है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स का ऐसे एकदम साफ साफ डिमांड है कि वीडियोग्राफी और जो लाइव स्ट्रीमिंग दोनों के बीच में कोई भी एक चीज हो ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि 26 मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी जानने का हक है कि जो मीटिंग हो रहा है उस मीटिंग में क्या क्या सामने निकल के आ रहा है, और इसी वजह से डॉक्टर्स का ये डिमांड को रखा जा रहा है। अभी देखना होगा कि ममता बनर्जी वर्सेस डॉक्टर्स, ये जो सिलसिला अभी चल रहा है, ये सिलसिला और कितने दिन चलेगा, और अगले दिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए डॉक्टर्स का जो हड़ताल जारी है इसको ठीक करवाने के लिए क्या स्टेप लिया जाता है, अगले दिन ममता बनर्जी की तरफ से फिर से उनको उनके साथ मीटिंग करने का कोशिश किया जाता है कि नहीं, इस बारे में भी नजर रखना पड़ेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.